मैं अलका ठाकुर हूँ और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपकी किडनी अचानक से फेल कर जाती है, आपको पहले कोई भी प्रॉब्लम नहीं है लेकिन आपकी किडनी अचानक से फेल कर गई है या फिर आपके घर में किसी की फेल कर गई है तो सबसे पहले क्या करें, तो आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो आपको उनको डॉक्टर के पास लेके तुरंत हॉस्पिटल में भागना चाहिए। वहां पे अब डॉक्टर क्या क्या करेंगे, अगर आप एक स्टूडेंट है तो आप सीख लीजिए कि आपको क्या क्या करना है, लेकिन अगर आप एक आम इंसान है तो आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आप हॉस्पिटल में लेकर के जाते हैं और किडनी फेल हो गई है वो भी अचानक से, तो क्या क्या प्रोसेस होते हैं, तो जानकारी सभी को होना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन, हम बोलते हैं वो क्या होता है। सबसे पहले अगर किसी व्यक्ति का किडनी अगर फेल कर जाता है तो पहले क्या करते हैं, क्योंकि जब किडनी फेल होता है तो किडनी क्या होती है, किडनी काम नहीं कर रही होती है, जिसकी वजह से ये अगर दोनों किडनी है, ठीक है, यहाँ पे है यूरेटर, ये है ब्लैडर और ये है यूरेथ्रा, मतलब यहाँ पे जो पेशाब है वो छनता है किडनी में, इस नली के माध्यम से आता है पेशाब और यहाँ पे ब्लैडर में इकट्ठा होता है, जिसको हम बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर, और फिर यहाँ से पेशाब करने वाले रास्ते से फिर बाहर निकलता है, जिसको हम बोलते हैं यूरेथ्रा। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ये है यूरिनरी ब्लैडर और ये क्या है, ये है यूरेथ्रा। तो क्या होता है, जब अचानक से किडनी फेल होती है तो मैंने आपको लक्षण भी बताए हैं, तो जाकर के आप उस वीडियो को देख सकते हैं। मैंने ये भी बताया है कि अचानक से किडनी फेल कैसे होती है, इस बारे में भी आप जाकर के सीख सकते हैं, आप जाकर के बहुत अच्छे से नॉलेज ले सकते हैं। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा हम इस वीडियो में देखेंगे कि अगर किडनी फेल हो जाती है तो जब आप अपने पेशेंट को या फिर जब आपके पास कोई अगर पेशेंट आता है तो क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहले, किडनी हमारी काम नहीं कर रही है, मतलब जो हमारा ब्लड है, जो हमारा खून है, उसमें वेस्ट घूम रहा है, वो वेस्ट बॉडी से बाहर नहीं जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, ब्लड टेस्ट करेंगे सबसे पहले। तो अगर जो ब्लड टेस्ट करते हैं, जो कोई भी टेस्ट करते हैं, उसका जो यूरिन है वो बाहर नहीं आ पा रहा है या फिर बहुत कम यूरिन बन रहा है, जो कि जिसको हम बोलते हैं पेशाब, तो हम उसको भी टेस्ट करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम, क्योंकि हमारा जो दिल है वही खून सबको सप्लाई करता है, तो आखिर कहीं उसमें तो प्रॉब्लम नहीं है जिसकी वजह से किडनी तक खून नहीं पहुंची है और किडनी का जो ये पूरा जो स्ट्रक्चर है वो फिर डेड हो गया है, वो फिर खत्म हो गया है क्योंकि उसको खून नहीं मिल रही है। और हम जानते हैं कि हमारे बॉडी में सभी अंगों को खून की आवश्यकता होती है, क्या उस वजह से है। इसके अलावा इस किडनी के टुकड़े को काट के हम देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम है। तो जो ये सभी चीज़ें होती है, जब हम टेस्ट करते हैं बॉडी में इन सभी चीज़ों को, तो हम साथ में सभी चीज़ों को बोलते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। क्या बोलते हैं, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में सबसे पहले हमने क्या देखा, हमने देखा कि ब्लड टेस्ट होगी। अब ब्लड टेस्ट में जब हम करेंगे और किडनी फेल हो गई है, मतलब ब्लड में है हमारा वेस्ट, और वो वेस्ट क्या होता है, ब्लड में होता है BUN बढ़ा होता है, मतलब ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, जो यूरिया और जो नाइट्रोजन होता है वो एक वेस्ट होता है, वो विषैला पदार्थ होता है जो कि हमारे शरीर से बाहर निकलना चाहिए लेकिन वो नहीं निकल पाता है क्योंकि किडनी फेल कर गई है, किडनी काम करना बंद कर चुकी है। तो हम क्या देखते कि ब्लड यूरिया नाइट्रोजन ज्यादा हो गया है, उसमें क्या क्या चीजें होती है ब्लड यूरिया नाइट्रोजन में, एक होता है क्रिएटिनिन और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है हमारा नाइट्रोजन, क्रिएटिनिन और नाइट्रोजन और यूरिया, ठीक है। तो ये जो सभी चीज़ें होती हैं इनको साथ में हम क्या बोलते हैं, साथ में हम इनको बोलते हैं एजोटेमिया, इससे पहले भी मैंने आपको बताया था। तो आप ध्यान से अगर सीखेंगे तो आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो हम इसको बोलते हैं कि एजोटेमिया, ठीक है। जब ब्लड में ब्लड की यूरिया और नाइट्रोजन का जो लेवल है, उसका जो मात्रा है, वो अगर ज़्यादा हो जाए तो हम बोलते हैं क्या, हम बोलते हैं एजोटेमिया, उसको बोलेंगे जब एलिवेट हो जाए, एलिवेट का मतलब जब ज़्यादा हो जाए। तो सबसे पहले जब हम ब्लड टेस्ट करते हैं तो हमें यही देखने को मिलता है कि ब्लड में यूरिया और नाइट्रोजन, जो कि एक विषैला पदार्थ है, एक वेस्ट है, वो ज़्यादा है। इसके बाद हम क्या देखते हैं, इसके बाद हम करते हैं यूरिन का टेस्ट। अब यूरिन में हम क्या देखते हैं, किडनी अगर फेल कर गई है तो बहुत सारा कारण हो सकता है, हो सकता है कि किडनी में, किडनी अगर फेल कर गई हो तो किडनी
में जो यूरिन है उसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा हो, क्योंकि किडनी को क्या करना है, किडनी को अगर वो किडनी छानती है, अगर किडनी अपना काम करती रहती है तो बॉडी से प्रोटीन को बहुत ज़्यादा वो निकलने नहीं देती है। लेकिन ऐसे में क्या हो सकता है कि जो यूरिन है उसमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा हो सकती है क्योंकि किडनी काम नहीं कर रही है। तो यूरिन में हम क्या देखते हैं कि प्रोटीन यूरिया तो नहीं हो गया है, मतलब यूरिन में बहुत ज़्यादा प्रोटीन की अमाउंट तो नहीं हो गई है। इसके अलावा क्या हो सकता है, इसके अलावा प्रोटीन के अलावा क्या हो सकता है, ब्लड हो सकता है कि यूरिन में, तो हम उसको बोलेंगे हीमेटूरिया, क्योंकि ब्लड भी आ सकता है। किडनी तो अपना काम नहीं कर रही है, छान भी नहीं रही है, तो कुछ भी हो सकता है, यूरिन में कुछ भी चीज़ें आ सकती है डायरेक्टली हमारे ब्लड से, तो हीमेटूरिया तो नहीं हो गई है। इसके साथ हम देख सकते हैं कि जो यूरिन का कलर है वो कैसा है, यूरिन की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है, स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब होता है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब यूरिन कितना ज़्यादा गाढ़ा है, यूरिन का जो पीलापन है वो कितना ज़्यादा है, और यूरिन में अगर यूरिया है तो यूरिया की जो मात्रा है वो कितनी है, उसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है यूरिन की, ठीक है। तीसरा हम क्या देखते हैं, ईसीजी करते हैं। ईसीजी मतलब हम अपने हार्ट को चेक करते हैं, जिस व्यक्ति का प्रॉब्लम है, जिस व्यक्ति का किडनी फेल हो गया है उसके हम हार्ट को चेक करते हैं। अगर ईसीजी को हम ध्यान से देखें, ये होता है पी, देन इस तरफ देखिए, ये होता है पी क्यू आर एस टी यू, ठीक है। तो जो ईसीजी होता है उसमें जब आप देखते हैं, जब आप ईसीजी करवाते हैं तो कुछ इस टाइप की लाइनिंग आपको कंप्यूटर के स्क्रीन पे या फिर ग्राफ पे देखने को मिलती है। तो जो ये लाइनिंग होती है, ये लाइनिंग एक ही लाइनिंग होती है, और यही लाइनिंग जो हमारा हार्ट जो पंप करता है उसका ये रिदम होता है, तो वो इस टाइप से होता है। इसको हम बोलते हैं, छोटा सा निकला होता है, इसको हम बोलते हैं पी क्यू आर, ये आर एस टी यू। तो जो सभी होती है स्ट्रक्चर इसकी, इस टाइप की बनावट होती है। लेकिन अगर किडनी फेल कर जाता है तो उसमें क्या होता है कि ये जो टी है, ये जो टी है ये कुछ ज़्यादा ही ऊपर उठ जाती है, जो कि इसको नहीं उठना है, ये कुछ ज़्यादा ही ऊपर उठ जाती है, और साथ ही साथ ये जो क्यू आर एस है वो इस तरह फैल जाता है। देखिए इस तरह, ये इस तरह उठ जाती है और ये इस तरह रहता है, और यहाँ पे पी इस तरह रहता है। तो ये जो क्यू आर एस, ये जो इस तरह लंबा सा है ये इस तरह फैल जाता है, और ये जो टी है ये कुछ ज़्यादा ही उठ जाती है। अगर हार्ट में प्रॉब्लम होगी तो हो सकता है कि किडनी फेल कर जाए, हो सकता है कि अचानक से हार्ट में प्रॉब्लम की वजह से ही किडनी फेल कर गई हो। तो जब हम ईसीजी करवाते हैं तो अगर हार्ट में प्रॉब्लम रहती है, अगर किडनी फेल हो जाता है और अगर हार्ट में भी प्रॉब्लम है, तो ईसीजी में हमें ईसीजी यहाँ पर ये खराब सी देखने को मिलेगी, लेकिन रियल में इसको ऐसा होना चाहिए लेकिन ये ऐसा हो जाता है। अब चौथा क्या है, चौथा हम कर सकते हैं बायोप्सी कर सकते हैं। बायोप्सी का मतलब क्या होता है, बायोप्सी का मतलब होता है कि एक छोटा सा हम सुई को ऊपर से ही, स्किन के ऊपर से ही हम डालते हैं, और उसके बाद छोटा सा टुकड़ा किडनी का कट कर लेते हैं, और फिर हम इसको लैब में जाकर के चेक करते हैं कि क्या किडनी के किसी परत में इन्फेक्शन है, किसी लेयर में इन्फेक्शन है, तो उसको हम बोलते हैं बायोप्सी करना। तो जब हम ये सभी चीज़ें करते हैं तो हम उसको बोलते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, और ये सभी चीज़ें करने से हमें ये पता लगता है कि आखिर क्या कारण है किडनी फेल होने के बाद ब्लड में या फिर हम उसके बॉडी में क्या क्या चीज़ें परिवर्तित हो गई है पहले की अपेक्षा, जिसके कारण किडनी फेल हो गई है। अब हम देखते हैं कि इसका मैनेजमेंट हम किस तरह से करते हैं, अब हम उपचार किस तरह से करेंगे अगर ऐसा सिचुएशन हो जाता है। तो मैनेजमेंट में सबसे पहला क्या है, सबसे पहला है हमारा फार्माकोलॉजिक थेरेपी, जिसमें हम दवाई देते हैं। दूसरा क्या है, फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट, अगर किडनी खराब हो गई है, किडनी अगर फेल कर गई है, तो सबसे पहले जो ब्लड में पानी की जो मात्रा है और जो फ्लूइड का मतलब होता है इलेक्ट्रोलाइट भी, जिसमें सोडियम पोटेशियम मैग्नीशियम कैल्शियम होते हैं ब्लड में पानी के साथ साथ, उनकी भी मात्रा को संतुलित करते हैं। इसके अलावा न्यूट्रिशनल थेरेपी, क्योंकि अगर किडनी फेल हो जाती है तो ब्लड में जो जो चीज़ें चाहिए न्यूट्रिशन के लिए, पोषक तत्व के लिए जो चीज़ें चाहिए वो कम हो जाती है, तो हमें उसको भी पूरा करना होता है। और उसके साथ साथ अगर ट्रीटमेंट काम नहीं करता है, दवाइयाँ अगर काम नहीं करती है, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, तो हम करते हैं डायलिसिस, लास्ट में हम करते हैं इसको, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे मैनेजमेंट में, जिसमें हम किडनी फेल होने के बाद, किडनी कैसे फेल हो जाती है, अचानक से किडनी फेल हो जाने के बाद वाले टाइम में
अचानक से किडनी फेल होने के बाद वाले टाइम में हम ये मैनेजमेंट करते हैं, जिसमें सबसे पहले हम समझेंगे फार्माकोलॉजिक थेरेपी के बारे में। इसमें हम देते हैं दवाइयाँ। अब दवाइयाँ कौन कौन सी देते हैं, सबसे पहले हम दे सकते हैं इसमें डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स के साथ हम क्या दे सकते हैं, हम दे सकते हैं फ्यूरोसेमाइड। फ्यूरोसेमाइड दवाई का नाम है, ये आपको याद करना पड़ेगा, फ्यूरोसेमाइड एंड मैनीटोल। क्या दे सकते हैं इसके अलावा, मैनीटोल। ये जो दवाई है, ये दवाई हम दे सकते हैं जिसके कारण जो वेस्ट है वो किडनी से बाहर निकल जाए। इसके साथ ही साथ हम क्या दे सकते हैं, और इसके साथ हम दे सकते हैं लो डोज डोपामाइन। लो डोज डोपामाइन, डोपामाइन देने से क्या होगा, डोपामाइन हम देंगे बहुत कम मात्रा में। जब हम इसको देंगे, एक तरह से समझिए कि 1 ग्राम हम दे सकते हैं, जब हम इसको देंगे तो हम क्या करेंगे, जब हम इसको देंगे तो बॉडी में डोपामिनर्जिक रिसेप्टर्स जो है वो उत्तेजित हो जाती है, जिसके कारण जो किडनी है वो फिर वेस्ट को छानने लगती है। अब ये जो नाम है ये आपको याद करना होगा। दूसरा क्या है, दूसरा हम दे सकते हैं क्या, दूसरा हम दे सकते हैं सोडियम पॉलीस्टरीन सल्फोनेट हम दे सकते हैं अगर बॉडी में पोटेशियम की लेवल बहुत ज़्यादा हो जाती है। क्योंकि अगर बॉडी में जो विषैला पदार्थ है, जो वेस्ट है, वो अगर किडनी नहीं छान पाता है तो बॉडी में, ब्लड में पोटेशियम की जो मात्रा है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो अगर उसको हमें ठीक करना है तो हम सोडियम पॉलीस्टरीन सल्फोनेट हम दे सकते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, पोटेशियम की लेवल को कम करने के लिए रेजिन्स आता है, RESINS रेजिन्स हम देते हैं। इसके माध्यम से हम पोटेशियम को बॉडी से बाहर निकलवाते हैं और इसको हम क्या करते हैं 30 से 45 मिनट तक शरीर के अंदर रखते हैं। इसको हम ओरली देते हैं, मुंह से देते हैं, और उसके बाद हम दे देते हैं पेशेंट को, क्या देते हैं उसके बाद हम पेशेंट को एनीमा दे देते हैं। अगर कब्ज होता है तो कब्ज को क्लियर करने के लिए हम एनीमा देते हैं, लेकिन इस टाइम में हम रेजिन दिए हैं इसीलिए इसके बाद हम देंगे एनीमा, ताकि क्या करे, ताकि वो जो रेजिन्स है उसको साफ कर सके ये एनीमा। तो 30 से 45 मिनट तक हमें इस रेजिन्स को बॉडी के अंदर रखवाना है और उसके बाद फिर हमें दे देना है एनीमा, जिससे कि वो जो रेजिन्स है वो फिर बाहर निकल जाएगा बॉडी से एज अ वेस्ट। तो सोडियम पॉलीस्टरीन सल्फोनेट के माध्यम से हम पोटेशियम की लेवल, जो ब्लड में बहुत ज़्यादा हो जाती है, उसको हम क्या करते हैं, कम करते हैं। इसके अलावा अगर बहुत ज़्यादा पोटेशियम की लेवल बॉडी में हो गई हो तो हम क्या देंगे, तो हम दे सकते हैं कैल्शियम दे सकते हैं, या हम ग्लूकोज दे सकते हैं, ग्लूकोज, या फिर इंसुलिन दे सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर और ज़्यादा कैल्शियम के साथ साथ अगर बॉडी में, ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा भी बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्यों, क्योंकि बॉडी में है वेस्ट और वो जो वेस्ट है वो बहुत ज़्यादा ही खतरनाक है हमारे बॉडी के लिए। हमारे बॉडी में ऑक्सीजन ज़्यादा होनी चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड से, लेकिन जब विषैला पदार्थ बॉडी से बाहर नहीं निकल पाता है, किडनी उसको छान नहीं पाती है, क्योंकि किडनी अचानक से फेल कर चुकी है, तो क्या होगा, तो बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज्यादा बन चुकी है। अब उसको हमें हटाना है और साथ ही साथ जो पोटेशियम की मात्रा है वो भी बहुत ज्यादा है, तो हमें उसको भी हटाना है। तो हम क्या करेंगे, तो हम कैल्शियम कार्बोनेट दे सकते हैं, कैल्शियम बाइकार्बोनेट हम देंगे। ठीक है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट हम दे सकते हैं। तो ये चीजें हम दे सकते हैं तब जब हमें पोटेशियम की लेवल और कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल जब हमें हटाना हो, तब हम कैल्शियम बाइकार्बोनेट देंगे। तो ये जो सभी चीजें हैं ये आपको याद करनी पड़ेंगी। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम दे सकते हैं क्या, इसके बाद छठा पांचवा पॉइंट आ गया। इसके बाद अगर पेशेंट को लीवर की प्रॉब्लम नहीं है, लीवर में कोई भी डिजीज नहीं है, तो हम उसको एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं ताकि उसके बॉडी में इन्फेक्शन ना आए। क्योंकि अगर बॉडी में पहले से आपका लीवर फेल है तो इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा बन जाते हैं, क्योंकि आपका बहुत महत्वपूर्ण अंग खराब हो चुका है। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, अगर उसको उल्टी हो रही है तो हम देंगे एंटी एमिटिक्स
एंटीएमेटिक्स देंगे। अगर उसको झटके आ रहा है, मतलब उसको बार बार उसको अजीब सा हो रहा है, वो उसकी जो हरकतें हैं, बॉडी की जो मूवमेंट है वो कंट्रोल नहीं हो रही है, वो अचानक से बॉडी को ज़्यादा ही मूवमेंट करने लगता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, जिसको हम चमकी भी बोल सकते हैं, एंटी कन्वल्सेंट्स हम दे सकते हैं। ठीक है, जब उल्टी आती है तो एंटी एमिटिक्स देंगे, जब उसको चमकी होती है या फिर जब बहुत ज़्यादा बॉडी का जब मूवमेंट होने लगता है तो हम एंटी कन्वल्सेंट्स दे सकते हैं। इसके अलावा हम बॉडी में कैल्शियम दे सकते हैं, कैल्शियम यहाँ लिख दीजिए, कैल्शियम, आयरन, वाइटामिन सप्लीमेंट्स, ये हम दे सकते हैं उस पेशेंट को अगर बॉडी में प्रॉब्लम है, तब जब किडनी फेल हो गई है तब हमें ये चीज़ें देनी है। ये हम लिखते हैं फार्माकोलॉजिक थेरेपी में, क्योंकि इसमें हमने दिया है दवाई पेशेंट को। अब क्या है, अब है फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट। इसका मतलब है कि बॉडी में जो पानी की मात्रा है और जो कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम है उसकी मात्रा भी बिल्कुल बिगड़ सी गई है, तो हमें क्या करना है, तो हमें ध्यान रखना है कि उस पेशेंट का हमें वजन डेली करना है, उसका वेट हमें डेली माप करके देखना है, उसके हिसाब से उसको दिन में कितना बार पानी अंदर उसको देना चाहिए और कितना बार बॉडी से वो पानी पिए, या फिर आप इंट्रावेनसली सुई के माध्यम से भी आप पानी को चढ़ा सकते हैं, और कितना उसका बॉडी से पानी निकल रहा है उस चीज को हमें ध्यान देना है। ना हमें पानी एक्स्ट्रा देना है, ना हमें पानी कम देना है। अगर आप कम देंगे तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा, और अगर आप ज्यादा पानी दे देंगे उसकी बॉडी में, अगर ज्यादा पानी बनने लगेगा तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा, या फिर उसके हाथ और पैर में सूजन भी आने लगेगा पानी भरने की वजह से। तो हमें क्या करना है, हम इसमें करते हैं CVP। ये क्या होता है, इसको हम बोलते हैं सेंट्रल वेनस प्रेशर। इसका मतलब होता है कि जो हमारा हार्ट होता है, जो हमारा दिल होता है, सीधे नीचे की तरफ एक बड़ा सा वेन होता है जिसे पूरे शरीर से गंदा खून इसके माध्यम से आता है राइट वाले पार्ट में, ठीक है, तब जाकर के ये नीचे आता है, फिर ये लंग्स को भेजती है। तो यहाँ पे सीधे एक कैथेटर लगाते हैं जिसमें सुई लगा होता है, और ऊपर एक पानी का क्या होता है, फ्लूइड मैनोमीटर उसको बोलते हैं, और उसमें वो कैथेटर को हम अटैच कर देते हैं, जिससे हमें पता लगता है कि जो पानी इसके बॉडी में जा रहा है उससे दबाव कितना पड़ रहा है इसके बॉडी में, या फिर इसके दिल की धड़कन कितनी तेज चल रही है। तो ये सब सभी चीजें हैं, ये हम CVP के माध्यम से हम देख सकते हैं, और फ्लूइड में हम इसको क्या दे सकते हैं, इसके अलावा हम इसको इंसुलिन दे सकते हैं, ग्लूकोज दे सकते हैं, कैल्शियम हम इसको दे सकते हैं। तो इस तरह से हम ये देख सकते हैं कि जो फ्लूइड की मात्रा है वो बॉडी में उसके बिल्कुल संतुलन के साथ बना रहे, वो ना ज़्यादा हो ना कम हो। तीसरा क्या है, न्यूट्रिशनल थेरेपी। हमें पेशेंट के न्यूट्रिशन का भी ख्याल रखना है, अगर उसकी किडनी फेल हुई है तो बॉडी में उसको प्रॉपर पोषक तत्व मिलना चाहिए। इसीलिए हम उसको क्या करेंगे, क्योंकि पहले से ही बॉडी में क्या है, पोटेशियम ज़्यादा है, जिसके लिए हमने दवाइयाँ दी है, तो हम पोटेशियम नहीं देंगे, हम पोटेशियम सिर्फ 40 से 60 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर हम दे सकते हैं, इसके बाद हम पोटेशियम नहीं देंगे। सोडियम हम बिल्कुल नहीं देंगे, सिर्फ 1 ग्राम देंगे। प्रोटीन हम ज्यादा नहीं देंगे, सिर्फ 1 ग्राम देंगे। इसके अलावा ज्यादा हम नमक नहीं देंगे उस पेशेंट को। इसके अलावा हम उसको बोल सकते हैं कि एप्पल खाने के लिए, कैबेज खाने के लिए हाई कैलोरी हो लेकिन उसमें प्रोटीन की मात्रा कम हो, वो सारे चीज़ें वो खाएगा। इसके अलावा क्या हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा उसको लेना है लेकिन उसको प्रोटीन बिल्कुल भी नहीं लेना है, सिर्फ 1 ग्राम उसको प्रोटीन लेना है। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, न्यूट्रिशन थेरेपी हम पेशेंट को दे सकते हैं। इसके बाद क्या है, डायलिसिस। डायलिसिस में 2 चीज़ें देखी जाती है, पहला तो ये कि जो पूरा ब्लड है स्किन में सुई लगा करके फिर आप पूरे ब्लड को साफ करें, और दूसरा आप पेट के पास, जो पेट के पास होता है उसको हम बोलते हैं एब्डोमिनल कैविटी से आप पूरे ब्लड को साफ कर सके। तो जो 2 चीज़ें होती है तो इसमें तब करते हैं ये डायलिसिस जब ट्रीटमेंट बिल्कुल भी काम नहीं करता है, ये जो दवाइयां हैं ये बिल्कुल असर नहीं दिखाती है, तब हम पेशेंट को डायलिसिस करते हैं। एक मशीन आता है जिससे कि एक इंजेक्शन आपके पेशेंट के हाथ में लगा होता है, और फिर आपका जो पेशेंट का जो ब्लड है वो उस मशीन के माध्यम से घूम करके उस मशीन में साफ होकर के फिर पेशेंट में जाता है, उसको हम बोलते हैं हीमोडायलिसिस। मैंने आपको बताया कि ब्लड में स्किन में इंजेक्शन लगा करके, तो जो इसमें 2 चीज़ें होती है, पहली तो ये हीमोडायलिसिस पहला हो गया, और दूसरा क्या है पेरिटोनियल डायलिसिस।
उसमें क्या होता है, पेट के पास इंजेक्शन लगाया जाता है और फिर जा करके यहाँ से जो ब्लड होती है वो फिर मशीन में घूम करके मशीन में साफ होकर के फिर वापस स्किन के माध्यम से फिर जाती है। जब स्किन के माध्यम से जाती है तो हम उसको बोलते हैं पेरिटोनियल डायलिसिस, क्योंकि ये पेट के पास है, मतलब एब्डोमिनल कैविटी के पास है, और स्किन ऊपर से जैसे हम इंजेक्शन देते हैं ठीक उसी तरह जो ब्लड है वो पूरी मशीन में घूम करके साफ होकर के फिर जाती है, उसको बोलते हैं हीमोडायलिसिस। तो इस तरह दो प्रकार की डायलिसिस हम देखते हैं। डायलिसिस में जब ट्रीटमेंट बिल्कुल भी काम नहीं करता है तब हम ये करते हैं, जब अचानक से लीवर फेल हो जाता है तब हम ये करते हैं। मुझे उम्मीद है कि जो आज का लेक्चर है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इस लेक्चर को आप फेसबुक पेज पे भी देख सकते हैं और आप इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं अगर आपको कोई डाउट होता है तब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।